कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं पर दिए गए बयान का विरोध संसद से लेकर राजस्थान विधानसभा तक हो रहा है। इस बीच राजस्थान विधानसभा में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। सत्र की शुरुआत के साथ ही बीजेपी विधायक जितेंद्र गोठवाल ने अनोखे तरीके से राहुल गांधी के बयान का विरोध किया। खंडार विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक अपने कुर्ते पर ही राहुल गांधी के बयान का उल्लेख कर सीधे विधानसभा के पटल पर पहुंचे, जिससे कांग्रेस के नेता भी हैरान रह गए। आइए आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान के बाद में पूरे भाजपा के अंदर विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। भाजपा के तमाम बड़े नेता पदाधिकारी राहुल गांधी के उस बयान का विरोध दर्ज करा रहे हैं। हमारे साथ में जितेंद्र गोठवाल जी मौजूद हैं। भाई साहब, राहुल गांधी ने संसद में जो बयान दिया है उसकी चारों ओर हम कह सकते हैं उसका विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी ने इस देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के अंदर जिस भाषा का प्रयोग किया हिंदुओं के लिए वो निंदनीय है। हिंदू समाज कभी भी हिंसक नहीं था और ना ही इस तरह की भावना रखने वाला समाज है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिने पे काम करने वाले लोग हैं और निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी को इस वक्तव्य के लिए माफी मांगनी चाहिए, उनके पूरे संगठन को माफी मांगनी चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते जो उन्होंने कहा, पूरे विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने बहुत बड़े वर्ग को, हिंदू समाज को, सनातन को गाली दी है। सब एक और विशेष चीज देखी गई है कि कल संसद में जब से कार्रवाई शुरू हुई है तब से जितने भी विपक्ष के बड़े नेता हैं उन्होंने सबने अपना अपना वक्तव्य दिया, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि नेता सदन भी है वो जब अपना वक्तव्य देने खड़े हुए तो विपक्ष ने हल्ला मचा दिया और आज की अगर आपको बात बताएं तो विपक्ष वॉकआउट कर चुका है। इस नजरिए को कैसे देखें? देखिए, हम लोग लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। लोकतंत्र में जो जनता ने चुन के भेजा वो अपनी अपनी बात रखे। हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा ये रहती है। तीन दिन से जब विपक्ष बोल रहा था तो हमने सहर सुना और जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, क्योंकि इनको सच सुनने की आदत नहीं है, वास्तविकता से ये रूबरू नहीं होना चाहते, और जब भी ऐसा कोई विषय आता है तो ये हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी की बात नहीं सुनते हैं और ये जनता में दर्शाते हैं कि हम लोग यहाँ पर, जनता ने आपको चुन के भेजा है, वहां पर अपनी अच्छी बात रखनी चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन इन लोगों के स्वभाव में वो नहीं है। मुझे लगता है कि पूरे विपक्ष को इस पे शर्मसार होना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी की बात ना सुनकर उन्होंने वॉकआउट किया। ये थे हमारे साथ जितेंद्र गोठवाल जी और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि राहुल गांधी ने संसद में जो आचरण किया है वो बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कि सही नहीं माना जा सकता और राहुल गांधी को और संपूर्ण विपक्ष को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।